स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे इस हेल्थ एजुकेशन्स के महत्व क्या है। हेल्थ एजुकेशन्स मानव शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, हेल्थ एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के छात्रों के लिए क्यों ज़रूरी है, और हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो जीवित मनुष्य हैं, जो व्यक्ति जीवित है जन्म से लेकर मृत्यु से पहले तक, हेल्थ एजुकेशन में उसकी क्या योग्यता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन से एक ऐसा विषय है जो बोलने में दिखने में तो आसान होता है, परंतु वो एक जटिल विषय है। मानव शरीर की जो क्रियाएं हैं हेल्थ से संबंधित हैं, उसका एक विषय है हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा जो पहले वीडियो में हमने बताए हैं, आज हम पढ़ेंगे जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसका महत्व क्या है, इस वीडियो में बताएंगे इसका महत्व क्या। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं, जो बदलाव होते हैं, वो फिजिकल या हेल्थ एजुकेशन में होते हैं। हेल्थ एजुकेशन एक पूरा बड़ा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, और हेल्थ एजुकेशन एक विषय है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, और हम बात करते हैं क्या किन्सियोलॉजी है, बायोमैकेनिकल्स है, और इसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन में एक अन्य जो विषय हैं वो आपको की भांति हेल्थ एजुकेशन भी एक विषय है, उसमें हम पढ़ेंगे इसके महत्व क्या है। तो इस प्रकार मानव जीवन में विषय, मानव जो मनुष्य है उसके जीवन में हेल्थ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे स्वास्थ्य की रक्षा, संरक्षण और उन्नति होती है। अगर आप सही समय पर को अगर आप बीमार हो, सही समय पर दवाई वगैरह नहीं लोगे, तो आप और बीमार हो और बीमार हो, बीमार होते जाओगे, अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बीमारी भापने से पहले ही हेल्थ जो बीमारी हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो गोली वगैरह लेकर आप ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसका कारण नहीं खोजते तो वो आपको बार बार होगा बीमारी होगी। जैसे आप बार बार आप टाइम पर नाखून नहीं काटते, बालों की कटिंग नहीं करवाते, आँखों की सफाई नहीं करते, या सुबह उठ के गुनगुना पानी नहीं करते, इससे क्या होगा, शरीर में आपके विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वे वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारा स्वास्थ्य सारा बिगड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा में इसका जो महत्व है इसके बारे में, कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए इस विषय का, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। जैसे आजकल भीड़ भड़ाका की ज़िंदगी है, और जो मॉडर्न युग हम बात करते हैं, 21वीं सदी हमारी चल रही है, जैसे हम बात करते हैं अभी 2024 का ईयर चला हुआ है मार्च 2024 में, तो अभी इसमें क्या है कि मॉडर्न युग है, हर चीज़ आदमी क्या कि डिपेंड हो चुका है, और दूसरे के ऊपर मशीन युग आ चुका है, इसमें स्वास्थ्य के प्रति केयरलेस है लगभग सभी। हम बात करते हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सुचारू रूप से सचेत हो। तो आप फिजिकल एजुकेशन के छात्र हैं, आपका सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि आपका स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। भी आप जैसे अब पहले क्या था, खुला ज़मीन वगैरह होती थी, कहीं भी मकान बना लेते, अब क्या हो, शहरों गांव छोड़ करके शहरों की तरफ भागने लगे, पलायन होने लगा तो शहरों में क्या होगा, संघनता क्या होगा, वहाँ पेड़ पौधों की कमी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगी, साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि खुला वातावरण होना चाहिए। सपोज़ अगर आप खेत शहरों वगैरह में रहते हो तो कम से कम आपने पेड़ वगैरह ज़रूर लगाने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं जो घरों में लगाने वाले होते हैं, जेड प्लांट्स वगैरह हैं, मनी प्लांट्स हैं, जेड प्लांट हैं, या पाम ट्रीज वगैरह जो घरों के अंदर होते हैं, जिस शो क्या होते हैं पर ऑक्सीजन की जो कमी होती है पूरी करते रहते हैं, वहीं पौधे घर जहाँ भी लगाने चाहिए, और इससे क्या होगा। और दूसरा, हमें अपने घर में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अड़ोस पड़ोस में स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए, और अगर नहीं सफाई हो रही हो तो आप कोई एनजीओ बना करके आप कार्य कर सकते हैं। सामाजिक जो संगठन होते हैं आप उस पर रहकर कोई कार्य कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीन माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ हैं वो किस प्रकार से सुचारू रूप से कार्य करते हैं, इस विषय के रूप में हम जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, और गंदगी से दूर है वातावरण से स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। चिकित्साएँ जो सेवाएं होती हैं मनुष्यों को समय समय पर क्या करना चाहिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
मनुष्य को अपने मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब 6 साल से पहले, जो 6 साल से बच्चे हैं, 6 साल से पहले के 1 2 3 4 5 6 साल वाले बच्चे और 40 साल के ऊपर के जो के बच्चे होते हैं उन्हें अपना मेडिकल चेकअप समय समय पर करवाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन में इसमें और तो जैसे हम बात करते हैं सप्ताह महीने में सॉरी साल में एक बार वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आँखों के लिए आई चेकअप करवाने के लिए आपको आँखों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपने नाक जैसे नंबर हो गया चेंज वगैरह तो नहीं हो गए हैं, या फिर हम विदाउट जिसमें हमें खाने पर आवड़ा वगैरह ग्रीनरी है, आँखों के बारे में बात करते हैं, जैसे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, और जो जैसे विटामिन सी के लिए आवड़ा है, मौसमी वगैरह या जो भी मौसमी जो होते हैं ना सीजनली जो आइटम्स वगैरह, जो जैसे भी कुछ दिन पहले गाजरों की जो रूटीन चली हुई है, अभी क्या होगा जो सीजनली जो सब्जियां हैं, जैसे हम बात करें अभी घिया है, पेठा है, कोड़ा है, तोरी है, और ये खाने चाहिए। उसी दूसरे क्या होगा कि आपको पहले क्या होगा सफाई वगैरह पहले धोने वगैरह चाहिए। जैसे हम बात करते हैं अभी अंगूरों में एक बीमारी आई हुई है कि अंगूर पता नहीं किस केमिकल से वो साफ किए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा हमारे गले की खराश हो जाती है और गले में यहाँ थोड़ी सी सूजन सी आ जाती है। इसी प्रकार आजकल है ना कि देखिए जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा कि ज़मीन सिकुड़ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोग क्या होगा कि वाइडली होते जा रहे हैं, वाइड होते जा रहे हैं, उसका क्या होगा कि दिन प्रतिदिन खेतों के ऊपर प्रसार होता है। जो ज़मीन है वो तो सीमित है, जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेतों के ऊपर हर शहर गाँव कस्बा का विस्तार होता जा रहा है। जो हमारी ज़मीन जो बोने वाली है उस गाँव में भी रिहायशें बढ़ने शुरू हो गई हैं। इससे क्या होगा कि हेल्थ पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा कि कम समय में मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन वाली फसलों किसानों को चाहिए। ऐसा करेगा तो पेस्टिसाइड छिड़केंगे, उसे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़केंगे अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए, तो बीमारियाँ स्वाभाविक से हैं। तो जिन जो साथी हमारे जैसे हम बातें राजस्थान लोहारू का जो भिवानी जो एरिया है, लगभग हरियाणा का जो एरिया हरियाणा है, जो खेतों में रहते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई अपना गोबर की खाद, अपना भाई तोरी है, गोया, भिंडी वगैरह, अपने घर ना बहुत धनिया वगैरह सिंपल तरीके से। अगर शहरों में रहते हैं भाई अपने गमले वगैरह में बोने चाहिए ताकि भाई अपने तोड़ के यूज़ कर सकते हैं। और भाई इससे जो अपना आपका ऑर्गेनिक के तौर पर ही यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन में कि स्वास्थ्य शिक्षा ही व्यक्ति के किस प्रकार से संबंध व ज्ञान की जानकारी प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वास्थ्य के अंतर्गत जो बातें आती हैं वह सब बातें शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है। स्वास्थ्य में रहकर अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, परंतु वह उन्नति के लिए बहुत प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो मनुष्य को वो करने चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा ही मानव जीवन का आधार है, अर्थात यूँ कहें हेल्थ एजुकेशन के बिना ही मनुष्य का जो कार्य है या जो जीवन है वो संभव नहीं हो सकता। हेल्थ एजुकेशन से मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हेल्थ रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो भाई क्या भाई एक टाइम पर कपड़े पाट रहे कोई बड़ी बात को नहीं, गरीब हो आप कोई बड़ी बात को नहीं, परंतु आप शारीरिक रूप से सही हो, स्वस्थ हो, तो आपके सब कुछ सही हो। अन्यथा आप अमीर हो, अच्छाई कपड़े पहन रहे हो, आप रोगग्रस्त हो, तो ये कोई जीवन नहीं होता। सुबह सुबह जैसे दूध दही लस्सी है, अगर ना है तो भाई अपने अड़ोस पड़ोस में मांग लिया करो, शर्म ना कराया करो भाई, खाए पिया करो भाई, मिल जाए कोई दिक्कत को नहीं। हाँ भाई जितना भी उसके हैं जो यो जंक फूड है भाई इस तो खाने तो बचा करो। जैसे भाई हम नाम को ना चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, मोमोज हैं, चाउमीन है, बर्गर है, इसमें पता नहीं किस किस प्रकार के कौन कौन से केमिकल्स पाम ऑयल्स वगैरह गिरते हैं और हमारे स्वास्थ्य को सारे पूरे बिगाड़ देते हैं। और हमारा जो शरीर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बॉडी है, कम से कम हमें भी इस सारी चीज़ों से बचना चाहिए और धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजिकल के जो साथी हैं वो तो करें को नहीं, बाकी अन्य तो भी थोड़े भी बचा करो। और ऐसे कोई साथी हो धूम्रपान वगैरह शराब वगैरह पीता हो तो थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि शराब वाला तो ठीक से पी के भीतर चला उसने से देगी, अगर धूम्रपान वाला तेरा साथी है, आपका साथी है, आपके पास बैठा रहा धूम्रपान पीता आप नहीं करते, वो धुआं छोड़ता था आपके सांस लेगा। अगर मान लो 100% नुकसान करता है तो 30% भैया नुकसान आपका भी होगा। इसलिए आपसे सलाह दी जाती है, साथी हमारे मोहब्बत में बताया जाता है कि भाई
कम से कम वो साथी धूम्रपान से वाले जो साथी हैं उनके साथ सहयोग छोड़ दे भाई, क्योंकि उसका स्वास्थ्य माने 100% ख़राब होगा। वो 2 महीना बीमार हो तो आप 6 महीना बीमार पक्के श्योर हो जाओगे भाई।